अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे। वीडियो अच्छी लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम यहाँ पे बनाएंगे कोरियन पोटैटो नूडल्स। जो कि बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे हमने 3 से 4 आलू ले लिया और इनको छिलके उतार के बॉइल कर लिया था। 2 चम्मच यहाँ पर लिया है ऑयल और यहाँ पर हमने लिया है 2 से 3 चम्मच पानी। 1 चम्मच लिया है चीनी। 1 चम्मच यहाँ पर लिया है चॉप किया हुआ लहसुन। 1 कप हमने लिया है कॉर्नस्टार्च। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है सोया सॉस। 1 चम्मच यहाँ पे लिया है लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून नमक। अब यहाँ पे हम आलू को कर लेंगे मैश। तो जी भी बस यहाँ पे देखिए, मैं आलू को मैश कर रही हूँ। आलू को आपने अच्छे तरीके से मैश करना है। तो जी भी बस आलू को आपने अच्छे तरीके से मैश करना है कि इसमें आलू के पीसेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आलू अच्छे से मैश होने चाहिए। तो जी भी बस यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आपको कोई भी आलू के पीसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, देखें इस तरह से आलू जो है मैश होने चाहिए इस तरीके से। ये देखें, अब यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर, इसकी डो गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाह, सारे डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी भी बस ये देखिए, मैंने आलूओं को और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा पानी, 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जी भी बस यहाँ पे देखिए, मैंने पोटैटो और कॉर्नस्टार्च को अच्छे से मिक्स कर लिया था और मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी यूज़ किया है डो को गूंदने के लिए। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये देखिए। तो जी भी बस यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैंने डो को लिया है इस तरीके से, क्योंकि मैं एक खास वीडियो बना रही हूँ तो इस वजह से इस तरह से मैं बॉल बना रही हूँ छोटा छोटा सा। ठीक है, तो मैं आपको बॉल बना के मिलती हूँ। तो जी भी बस ये देखिए, मैंने छोटे छोटे से बॉल बना लिए हैं। मैं एक खास वीडियो बना रही थी, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो इस तरह के आपने बॉल बना लेने हैं, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखें, ये बॉल बना के रखा हुआ है। कोई भी आपके पास खाली बोतल है, कोई भी बोतल है, तो इस तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं। ये देखें, ये देखें, क्योंकि मैंने बोतल में लगाया हुआ है अंदर ऑयल, वैसे ये चिपकेगी, तो इसलिए मैंने ऑयल लगाया है, तो ऑयल लगाने से चिपकेगा नहीं। तो जी भी बस ये देखिए, कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। देखें, इसी तरह से हमने सारे नूडल्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। जी भी बस ये देखिए, मैंने सारे नूडल्स को शेप दे दिए, देखें सारे रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से आपने भी रेडी कर लेने हैं। ठीक है, ये देखें, इसी तरह से सारे रेडी कर लेने हैं शेप दे के। तो जी भी बस देखिए, मैंने पानी डाल के रख दिया, फ्लेम ऑन कर दिया। जब पानी में बबल्स आने शुरू होंगे तब हम इसमें नूडल डालेंगे और इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है। जी भी बस पानी में बनाना शुरू हो गए हैं, अब हम अपने डालेंगे नूडल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह से मैं सारे डाल लूँगी एक करके। तो जी भी बस सारे मैंने नूडल डाल दिए बॉयल करने के लिए। यहाँ मैंने फ्लेम रखी है मीडियम हाई, मीडियम हाई पे इसको हम बॉयल कर लेंगे 2 से 3 मिनट। जी भी बस यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह नूडल को बॉयल आना शुरू हो गए हैं। देखिए जी भी बस हमारे नूडल जो है वो माशाल्लाह बॉयल हो गया। अब हम इनको निकाल लेंगे, निकाल के हम डालेंगे फुल ठंडे पानी में। अब इनको निकाल लेंगे इस तरीके से हम पानी में डाल लेंगे सारे। ठीक है जी, तो जी भी बस माशाल्लाह बॉयल हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चीनी ऐसे डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच चीनी ले ली है, 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, 1 चम्मच सोया सॉस। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है।
तो जी व्यूअर्स, ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तमाम चीज़ें डाल दी हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मिक्स करके मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ एक हाथ से मिक्स कर रही हूँ, तो इसलिए। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह ये देखिए मैंने सारे मसाले जो है वो ऐड कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, देखें। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त है हमारे कोरियन ब्रेड नूडल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ और केचप दिया, जिसने इसके साथ खाना है वो खा सकते हैं।